इजराइल और फिलिस्तीनी हमास के बीच युद्ध जारी है और यह पहली बार नहीं है जब इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। इससे पहले भी इन दोनों के बीच युद्ध हुआ है। तकरीबन दो साल तक अमन शांति के बाद एक बार फिर 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था। यह हमला इतना बड़ा और खतरनाक था कि हमास ने सिर्फ 20 मिनट में 5000 मिसाइलों को इजराइल पर दाग दिया, जिसके जवाब में फिर इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले 2021 में भी हमास और इजराइल के बीच 11 दिन तक जंग चली थी। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सदियों पुराना है। ये विवाद तब से चला आ रहा है जब इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों की काफी बड़ी तादाद थी, लेकिन तकरीबन तमाम देशों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसके चलते पहले विश्व युद्ध के बाद यहूदी बड़ी तादाद में यूरोप छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस और फिलिस्तीन की तरफ जाकर बसने लगे थे। लेकिन जब साल 1933 में हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना तो यहूदियों के पलायन में सबसे बड़ा इजाफा हुआ। हिटलर के शासन में जर्मनी में यहूदियों पर इतना ज्यादा जुल्म हुआ कि उन्हें मजबूरन मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद ज्यादातर यहूदियों ने फिलिस्तीन आने का फैसला किया, क्योंकि वो इस जमीन को अपनी धार्मिक मातृभूमि मानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप से निकलकर फिलिस्तीन पहुंचना शुरू किया। फिलिस्तीन उस वक्त उस्मानिया सल्तनत यानी ओटोमन एम्पायर के तहत आता था, जहां अरब लोग रहा करते थे। इसके अलावा फिलिस्तीन धार्मिक लिहाज से भी बेहद अहम जगह थी, क्योंकि यहां का शहर यरूशलेम मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के लिए बेहद पवित्र था। यूरोप से आकर जो यहूदी यहां बसने लगे थे वो अपने लिए एक नया मुल्क चाहते थे। वो धार्मिक किताबों का हवाला देकर दावा करते थे कि फिलिस्तीन यहूदियों की जमीन है, जिस कारण इस इलाके में यहूदियों की आबादी बढ़ती गई और फिर अरब लोगों के साथ उनका विवाद और संघर्ष शुरू हो गया। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हुई तो फिलिस्तीन का इलाका ब्रिटेन के कब्जे में चला गया, और विश्व युद्ध में जीत के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने मिडल ईस्ट का बंटवारा कर लिया, जिसके चलते जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए नए देश की मांग उठी तो इसका जिम्मा ब्रिटेन को मिला, और फिर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबियों के लिए अलग देश बनाने के लिए वोटिंग कराई। लेकिन उस वक्त संयुक्त राष्ट्र ने यह भी साफ कह दिया था कि तीन धर्मों में खास माना जाने वाला यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले से यहूदी तो खुश थे, लेकिन अरब के लोगों में इस फैसले को लेकर काफी रोष था, इसीलिए यह प्रस्ताव कभी लागू नहीं हो सका, जिसके बाद 1948 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को छोड़ दिया। ब्रिटेन के फिलिस्तीन छोड़ने के बाद यहूदी नेताओं ने 14 मई 1948 को खुद इजराइल की स्थापना का ऐलान कर दिया और संयुक्त राष्ट्र से भी इसे मान्यता मिल गई। जैसे ही इजराइल का ऐलान हुआ वैसे ही फिलिस्तीन की तरफ से इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर हमला बोल दिया, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का पहला संघर्ष था। इस जंग के बाद अरबी लोगों के लिए अलग जमीन तय की गई थी। जब फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाले मुल्कों की हार हुई तो अरब को फिलिस्तीन के लिए छोटी जमीन का हिस्सा हाथ लगा। जंग के बाद अरब लोगों को जो जमीन हाथ लगी उसे वेस्ट बैंक और गाजा कहा जाता है। इन दोनों जगहों के बीच में इजराइल है। इस तरह से वहां रहने वाले अरब फिलिस्तीनियों के लिए संकट खड़ा हो गया। यहूदी फौजों ने यहां अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को भागकर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। इस बीच यहूदियों और फिलिस्तीनियों में सबसे बड़ा विवाद यरूशलेम को लेकर उभर कर सामने आया। दोनों यरूशलेम पर अपना अधिकार मानते हैं और दोनों ही इसे अपनी राजधानी बताते हैं, जिसके बाद फिर यरूशलेम शहर को पूर्व और पश्चिम में बांट दिया गया। पश्चिमी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा था, जबकि पूर्व में जॉर्डन की फौज तैनात थी, और ये सब बगैर किसी शांति समझौते के हो रहा था। जिसके बाद 1968 में एक बार फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इस बार इजराइल ने और भी ज्यादा आक्रामक हमला किया और फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने वेस्ट बैंक और गाजा दोनों पर कब्जा जमाया। गाजा स्ट्रिप को तो उसने बाद में छोड़ दिया, लेकिन वेस्ट बैंक को अपने कंट्रोल में ही रखा। ऊपर से पूर्वी यरूशलेम भी इजराइल के कंट्रोल में आ गया। फिलिस्तीनी लोग अब वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में रहते हैं। फिलहाल गाजा पट्टी हमास के कब्जे में है। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो यह विवाद है मात्र 35 एकड़ जमीन के लिए, जिस जगह का नाम है यरूशलेम। जमीन का यह छोटा टुकड़ा दुनिया की सबसे विवादित जगह है। तीन धर्मों के लोग इस जमीन के लिए मरने मारने पर उतारू रहते हैं, और वे तीन धर्म हैं यहूदी, मुस्लिम और ईसाई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल अपना नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।